हेलो हाय, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल देखा होगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है और स्पेशली मेरी तो है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे कान का छेद ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखाऊंगी। मेरे कान का छेद बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा छेद है। ठीक है, तो मेरी तरह बहुत लोगों का कान का छेद बहुत बड़ा होता है, मतलब हो भी जाता है क्योंकि हम हैवी हैवी इयर रिंग पहनते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी मनपसंद इयर रिंग नहीं पहन पाते। मतलब हम ये सोचते हैं कि जैसे ऐसे कट करने वाली इयर रिंग होती है ना, जैसे ऐसे वाली होती है, तो वो तो हम बहुत अच्छे से पहन लेते हैं। लेकिन अगर गोल्ड की इयर रिंग हम ऐसे वाली पेच वाली हम पहनेंगे और हमारा कान का छेद बहुत बड़ा है, तो वो कहीं निकल ना जाए, वो खो ना जाए, ये डर से हम अपनी मनपसंद कानों के इयररिंग पहनना मतलब सोचते रह जाते हैं कि हम पहने या ना पहने, तो ऐसा सोचते रह जाते हैं। तो मेरे कान का छेद बहुत बड़ा हो गया है, तो मेरे जैसे बहुत लोग भी होंगे जिनके कान का छेद बहुत बड़ा होगा और वो बहुत अपनी मनपसंद इयररिंग मिस कर देते होंगे। तो मैं आपके लिए क्विक सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ ये सर्जिकल टेप। ये सर्जिकल टेप है, ठीक है। ये वाटरप्रूफ होती है, ये पानी में भी आपकी नहीं जाएगी। तो इसको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बहुत ही बहुत बढ़िया वाला सॉल्यूशन बता रही हूँ। पता है मेरे कान के छेद की वजह से ना, मैं ऊपर इयररिंग पहनती हूँ, ऊपर वाले में, नीचे वाले में चाह कर भी नहीं पहन पाती क्योंकि वो लटके लटके इतने गंदे से लगते, इतने बेकार लगते हैं ना वो। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ सर्जिकल टेप। इसका क्या करना है मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं जब नीचे पहनती हूँ तो मेरे कान कितने लटके लटके लगते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये ऐसे अब मैंने पहन लिया ना, तो ये देखो मेरा कान ना ऐसे लटका लटका हो गया ना ऐसे ऐसे, मतलब नीचे को लटक रहा है। और जब हम ऐसे इसको टेप लगाएंगे ये बिल्कुल ऐसा सेट हो जाएगा। तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको क्लोजअप से। पहले हम थोड़ी सी ना ये टेप को कट कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये है सर्जिकल टेप, ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं पहले। बहुत ही रामबाण सॉल्यूशन है ये, जिसके छेद कानों का बड़ा हो जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है। आप इतना कट करो कि वो दिखाई ना दे, और ये आपको ना पीछे की तरफ लगाना है, ठीक है। अपने छेद को पूरा कवर कर देना है और पीछे की तरफ लगाना है, पूरा कवर कर दो ताकि ये दिखाई ना दे, ठीक है। और फिर कोई भी इयररिंग ले लो, ठीक है, उसको ना आपको ऊपर की तरफ, छेद के ऊपर की तरफ को लगाना है, नीचे नहीं लगाना। या तो आप पहले छेद कर सकते हो टेप में, या फिर आप बाद में कर सकते हो। और अभी मैं ये लगा रही हूँ उसके पीछे की कैप। अभी आपने देखा ना कितना लटका लटका लग रहा था, और अब देखो अभी कितने अच्छे से सेट हो गया है, मतलब ये लटक नहीं रहा। हम कितना भी करेंगे ये लटक नहीं रहा, और हमारे को खोने की भी टेंशन नहीं है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आप इससे आप अपने मनपसंद इयररिंग पहन सकते हो। देखो तो है ना, ये झटपट मतलब बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ ये आई है 30 रुपीज़ की, ये 30 रुपीज़ की आई है ये सर्जिकल टेप, ठीक है। इससे देखो अब मेरा कान बिल्कुल भी लटका हुआ नहीं लग रहा है। मैं एक दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी लटका हुआ नहीं लग रहा है और बहुत अच्छे से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अब यार छेद बड़ा हुआ है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। हम अपने मनपसंद इयररिंग पहनना क्यों छोड़े, क्यों छोड़े हम अपने मनपसंद इयररिंग पहनना, इसलिए ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये झटपट वाला सॉल्यूशन पसंद आया होगा। और मैं ये भी कह दूं कि ये पानी में ख़राब भी नहीं होने वाली टेप, जैसे कि पानी, वैसे भी हम किसी फंक्शन में जाएंगे तो पानी से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी ये नहीं ख़राब होने वाली है और ये आपकी सेफ भी रहेगी। आप गोल्ड का पहनो या कुछ भी पहनो, बस आप टेप अच्छे से पीछे ऐसे कवर कर दो कि दिखाई ना दे किसी को भी, और आपका इयररिंग हैंग नहीं होगा। जैसे बहुत तो नीचे लटका लटका हो जाता है, वो नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, देखो बिल्कुल भी नहीं लटक रहा। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।